Would like to start it from. Hello, welcome to this special session of Indian National Freedom Struggle. 1909 में Indian Councils Act पास हुआ और 1919 में Montague Camford Reforms यानी कि Government of India Act 1919 आया. दो एक्ट के नाम बताए, Indian Councils Act 1909 और Government of India Act 1919. 10 साल का गैप था इनके बीच में. ठीक है, अब 10 साल के बाद 1929 में फिर एक बार जरूरत महसूस हुई किस चीज की, कि जो जरूरी बदलाव लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन में आने चाहिए वो आए. जिस तरह से मॉन्टेग डिक्लेरेशन आई थी उसी तरह से तैयारियां शुरू हुई और एक कमीशन सेटअप हुआ जिसे हम कहते हैं साइमन कमीशन. साइमन कमीशन जो था ये 7 मेंबर कमीशन था और ये ऑल वाइट कमीशन था. कब बना? नवंबर 8 1927 को ये एक कमीशन का गठन हुआ. ठीक है, इसको इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन भी कहते हैं, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन. ओके, इसके जो हेड थे उनका क्या नाम था जिसकी वजह से इसको साइमन कमीशन कहा जाने लगा? सर जॉन साइमन. ओके, तो ये देखिए स्क्रीन पर इसकी सब जानकारी मैं आपके पास लेके आ रहा हूं. हियर इज माय स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू. साइमन कमीशन 1927. आई होप आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं. पेपर में लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन सिविल सर्विसेज में किस तरह के क्वेश्चंस आज तक आए हैं वो सब मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा. हियर वी गो. 1927 में सेटअप हुआ था. अगर एग्जैक्ट डेट भी आप मुझसे पूछना चाहें कि साइमन कमीशन सेटअप हुआ कब था, तो नवंबर का महीना था, 8 तारीख थी, 8 नवंबर 1927 सेटअप हुआ इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन. क्योंकि इसके हेड सर जॉन साइमन थे, चेयरमैन थे, इसलिए इसको साइमन कमीशन कहा जाता है. ठीक है जी, किस लिए आया था? फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म. फर्दर क्योंकि दो बार कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आ चुके थे, 1909 में और 1919 में. और पूरा नाम सर जॉन साइमन. इसके ऊपर सबसे बड़ा आरोप ये था, ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमीशन वर वाइट पीपल, कोई भारतीय नहीं था. जो पिछला कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म आया था मॉन्टेग कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919, उस जो कि डायार्की यानी ड्यूअल गवर्नेंस लेके आया था. इंपॉर्टेंट काम अंग्रेज करेंगे, अनइम्पॉर्टेंट काम भारतीय लोग जो असेंबलीज में बैठे हैं वो फैसले लेंगे, कानून बनाएंगे. ये किस हद तक ये कामयाब रहा, इसको रिव्यू करने के लिए आया था साइमन कमीशन. और अब क्या करना चाहिए? ठीक है, रिव्यूइंग द वर्किंग ऑफ डायार्की विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय मॉन्टेग कैम्फोर्ड रिफॉर्म्स इन 1919. और फिर किस हद तक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट भारत में इंट्रोड्यूस की जा सकती है. समझ में आया कि सरकार की जवाबदेही हो, काम क्या किया और क्या उसके फेलियर्स रहे. भारतीय लोगों ने प्रोटेस्ट किया साइमन कमीशन के खिलाफ. ठीक है, क्यों कोई भारतीय इसमें नहीं है? जो जरूरत है इंडियंस को वो इंडियंस बेटर बता सकते हैं. सो इंडियंस प्रोटेस्टेड, दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द साइमन कमीशन बिकॉज ऑफ द एक्सक्लूजन ऑफ इंडियन फॉर्म Indians from the commission, and in the fear that the founders would discuss and decide upon India's fitness for self-government. क्योंकि हमें चाहिए था स्वराज, स्वराज, खुद हम अपने ऊपर राज करेंगे. All white commission सबसे बड़ा ठप्पा लग गया साइमन कमीशन पर और हर जगह नारे लगने लगे go back Simon, go back Simon. और फिर क्या हुआ? जो हमारी यहाँ NGOs थी वो बहुत वेहमेंटली इसको अपोज करने लगी. क्या क्या हुआ डिटेल में अब हम डिस्कस करेंगे. ये देखिए,
इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिसाइड किया मद्रास सेशन ऑफ कांग्रेस में कि हम इसको बॉयकॉट करेंगे साइमन कमीशन को। जो मद्रास का सेशन था इट वाज प्रेजेंटेड ओवर बाय डॉक्टर अंसारी, मद्रास सेशन विच वाज प्रेजेंटेड ओवर बाय डॉक्टर अंसारी। देन मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, इन दोनों ने सपोर्ट किया कांग्रेस को, ठीक है। मुस्लिम लीग भी खिलाफ था साइमन कमीशन के, हिंदू महासभा भी खिलाफ थी किसके, साइमन कमीशन के, कांग्रेस के साथ थे। और ये कमीशन फाइनली इंडिया पहुंचा, पावरफुल प्रोटेस्ट्स हुए। 3 फेब 1928 में कमीशन बना था नवंबर में, और फेब में यहां पहुंचा। कमीशन वॉज ग्रीटेड विद हड़ताल एंड ब्लैक फ्लैग डिमोन्स्ट्रेशन, और स्लोगन दिया गया गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, ठीक है। और गवर्नमेंट ने इसको पूरी तरह से दबाया, ब्रूटल सप्रेशन हुआ, पुलिस अटैक्स हुए, ठीक है, टू ब्रेक द पॉपुलर ऑपोजिशन। और ऐसे ही एक एजिटेशन में लाला लाजपत राय लाहौर में जब गो बैक साइमन के नारे लगा रहे थे, ही वॉज सिवियरली बीटन इन अ लाठी चार्ज एंड ही सकम्ब्ड, ही डाइड ड्यू टू दोज इंजरीज ऑन 17th नवंबर 1929। हालांकि कुछ हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि वो हार्ट अटैक से मरे थे, ठीक, कार्डियक फेलियर, ठीक है, लेकिन वो बीमार तो थे, अस्पताल में जो इलाज चल रहा था वो इसी लाठी चार्ज की इंजरीज का चल रहा था, ठीक है जी। फिर एक और कमीशन सेटअप हुआ था जिसका नाम है मोदीमैन कमीशन, इसके बारे में बताता हूं आपको, ठीक है। 9 मेंबर मोदीमैन कमिटी, ये देखिए 9 मेंबर मोदीमैन कमिटी, क्लियर। और इसके जो हेड थे वो थे सर अलेक्जेंडर मोदीमैन, ठीक है जी। ये भी यही काम कर रहा था, इन्होंने 1925 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की, और इसमें दो तरह के लोग थे, मेजोरिटी और माइनॉरिटी, ठीक है, ये मैं पहले बता चुका हूँ, ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल। तो जो अंग्रेज जो मेजॉरिटी में थे इसमें, उन्होंने जो कहा उसी पर ठप्पा लगा दिया था मोर और लेस साइमन कमीशन ने, और कहा अच्छा काम कर रही है डायर की, बस प्रॉपर ट्रायल नहीं हुआ है अभी तक उसका, तो इस कारण से माइनर चेंजेस के साथ उस सिस्टम को आगे कंटिन्यू किया जाना चाहिए। और आगे चलते हैं हम, फिर इसके बाद क्या हुआ, इधर से ब्रिटिशर्स ने बनाया था साइमन कमीशन, और उसके अगेंस्ट भारतीय लोगों ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस वालों ने क्या किया, ऑल पार्टी मीटिंग की, सभी पार्टियों के लोगों को अपने साथ जोड़ लिया, ठीक है। और इस ऑल पार्टी मीटिंग के बाद बनाई नेहरू कमेटी। पूरी तरह से साइमन कमीशन के खिलाफ कॉन्ट्रास्ट में बनी थी, अंग्रेजों की कमेटी साइमन कमीशन और भारतीय लोगों की नेहरू कमेटी को नेहरू कमेटी क्यों कहते हैं, इसके जो हेड थे वो कौन थे, मोतीलाल नेहरू, हेड जो इसके हेड कह लो या प्रेसिडेंट कह लो, वो कौन थे, मोतीलाल नेहरू, ओके। और मोतीलाल नेहरू जी ने इसकी रिपोर्ट सबमिट की 1928 में, और दो बातें कही, क्या कहा याद रहे, ये ऑल पार्टी मेंबर्स इसमें थे, ठीक है, दो बातें कही। पहला, 1 ईयर टाइम वॉज गिवन टू ब्रिटिशर्स, क्या करने के लिए, टू लीव साइमन रिपोर्ट। मैंने बताया था 1928 में, 1928 में दोनों रिपोर्ट्स आ गई थी, साइमन रिपोर्ट और नेहरू रिपोर्ट, और नेहरू रिपोर्ट में लिखा था 1 ईयर टाइम वी आर गिविंग, you act as per Nehru report and leave the Simon report, and if you do not act on Nehru report, to agar aapka jaise hi ek saal ka period khatam ho jata hai
तो एक बहुत बड़ी क्रांति, एक बहुत बड़े रेवोल्यूशन के लिए आप तैयार हो जाए, फिर हमें मत कहना। और ये वाला रेवोल्यूशन जो है ये बड़ा रेवोल्यूशन होगा और ये ऑल इंडिया रेवोल्यूशन होगा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है 1928 की दो रिपोर्ट्स थी उनके पास, एक तो थी साइमन की रिपोर्ट, साइमन, और दूसरी थी नेहरू की रिपोर्ट। उन्होंने नेहरू की रिपोर्ट को इग्नोर कर दिया और साइमन रिपोर्ट को भी उन्होंने सही समझा, और 1929 में वन ईयर कंप्लीट हो गया। और इंडियन नेशनल कांग्रेस हर साल कहीं ना कहीं सेशन करती थी दिसंबर के महीने में, तो इन्होंने कहां सेशन किया, लाहौर में। कौन सी नदी किनारे किया, रावी नदी किनारे। और कौन बने अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, युवा नेता सामने आ गए, कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले यूथ कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे, पर अब वो मेन स्ट्रीम कांग्रेस में आ गए थे। मोतीलाल नेहरू अब धीरे धीरे राजनीति से बाहर हो रहे थे और उनका बेटा जवाहरलाल नेहरू अब राजनीति में सक्रिय हो रहा था। ये ईयर था 1929 और लाहौर के मंच से इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो लाहौर का सेशन था, वहां पर जवाहरलाल नेहरू ने एड्रेस किया आईएनसी सेशन को एज प्रेसिडेंट और कहा, जो पापा ने वन ईयर का टाइम आपको दिया था वो अप, क्या हो गया, टाइम अप हो गया। मेरे पापा आपसे क्या डिमांड कर रहे थे, पापा मांग रहे थे स्वराज। स्वराज का मतलब क्या है, सेल्फ रूल, यानी कि इंडियंस आल्सो इन एडमिनिस्ट्रेशन, कि भारतीय लोगों को भी टॉप पोजीशंस दो, इंडियंस आल्सो ऑन टॉप पोजीशंस, ठीक है, इन टॉप पोजीशंस, इन टॉप रैंक्स, हम तो ये मांग रहे थे। पर अब अगर आप, क्योंकि वन ईयर का टाइम पूरा हो गया, अब अगर आप भी तैयार होते हैं स्वराज को, हम नहीं लेंगे। अब हमारी डिमांड क्या है, पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन को हरी झंडी कहां पर दी गई, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस में दी गई। कौन सी नदी किनारे, रावी नदी किनारे। कौन था प्रेसिडेंट, जवाहरलाल नेहरू। अब वर्ड आ गया पूर्ण स्वराज। हालांकि महात्मा गांधी इस शब्द के यूज से खुश नहीं थे, क्यों, ये शब्द किसने दिया था, ये शब्द दिया था किसने, जेल में बंद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, क्रांतिकारी थे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने लाहौर में, लाहौर कॉन्स्पिरेसी कहते हैं इसको, क्या किया, लाला लाजपत राय की जो डेथ हुई थी उसका बदला लिया। जिस पुलिस ऑफिसर ने ऑर्डर दिया था लाठी चार्ज का, उसको मारने के नाम के पर्चे छपवा लिए, कि लिख दिया कि हमने स्कॉट को मारकर लाला लाजपत राय की मौत का, डेथ का रिवेंज ले लिया, यानी कि बदला ले लिया, क्लियर। लेकिन स्कॉट को मारने की बजाय उन्होंने गलती से किसको मार दिया, सॉन्डर्स को मार दिया। तो उन्होंने उन्हीं पर्चों पर स्कॉट का नाम काटकर सॉन्डर्स लिख दिया। इससे सबको पता चल गया कि वो स्कॉट को मारने आए थे पर गलती से सॉन्डर्स को मार गए। एक इंडियन भी मारा गया था, तो ये ट्विन मर्डर केस बना। मगर बाद में एक बिल आया जिसका नाम था पब्लिक सेफ्टी बिल। इस पब्लिक सेफ्टी बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए, ठीक है, पर्चे हवा में उड़ाए किसने, बटुकेश्वर दत्त ने, बी के दत्त ने एंड भगत सिंह ने। और भगत सिंह ने कहां पर, लेजिस्लेटिव असेंबली में। सिर्फ इतना ही नहीं किया, एक बॉम्ब भी गिरा दिया और कहा
बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये पब्लिक सेफ्टी बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। बॉम्ब वहां गिराया जहां नोबडी वाज सिटिंग, क्योंकि वो किसी को किल करने नहीं गए थे, वो सिर्फ वहां प्रोपागेंडा करने गए थे, ठीक है। और लेजिस्लेचर में बॉम्ब गिरा दिया, ठीक है। और जानबूझकर उन्होंने क्या किया, सरेंडर किया, और जो उनके पास रिवॉल्वर थी वो उन्होंने जानबूझकर बिना किसी जोर आजमाइश के सबमिट कर दिया पुलिस को, ठीक है। और खुद खुशी खुशी अरेस्ट हो गए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। क्यों? इसके बाद उन पर ट्रायल चलेगा, क्योंकि किसी की मौत तो हुई नहीं है, तो जाहिर सी बात है बड़ी सजा तो होगी नहीं, और वो रहेंगे कहां, जेल में। और जेल में रहकर उन पर ट्रायल चलेगा, उनके बयान होंगे और उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी, और जो भी उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी उसको मीडिया जरूर छापेगा। इससे हर घर से एक रेवोल्यूशनरी, एक क्रांतिकारी पैदा होगा, ठीक है। ये मेन एम था भगत सिंह का, मगर हुआ कुछ और। जैसे ही अरेस्ट किया गया भगत सिंह को, ठीक है, सॉन्डर्स मर्डर केस की फाइल को रीओपन कर दिया गया, रीओपन हो गई ये फाइल, क्लियर। और हैंग करने की पनिशमेंट यानी कि डेथ पेनल्टी देने की सजा सुना दी गई। पूरी तरह से ये मूवमेंट हिल गई थी, ठीक है जी। और फिर क्या हुआ, ठीक है, महात्मा गांधी पर प्रेशर बनने लगा। किसने बनाया? यूथ ने प्रेशर बनाया। क्यों? क्योंकि यूथ का जो हीरो था वो कौन था? भगत सिंह वॉज द यूथ हीरो। तो यूथ ने प्रेशर बनाया महात्मा गांधी पर। किस चीज का प्रेशर बनाया? कि आप जैसे मर्जी करो, मगर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी को पार्डन कराओ। क्या करवाओ? माफी दिलवाओ। आज भी पार्डनिंग ऑफ डेथ पेनल्टी 72 नंबर सेक्शन में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। 72 स्टेट लेवल पर गवर्नर माफी दे सकता है अंडर आर्टिकल 161, और सेंट्रल लेवल पर प्रेसिडेंट माफी दे सकता है अंडर आर्टिकल 72, गवर्नर दे सकता है अंडर आर्टिकल 161, पर डेथ पेनल्टी को माफ केवल प्रेजेंट कर सकता है, गवर्नर नहीं। कोर्ट मार्शल को माफ प्रेजेंट कर सकता है, गवर्नर नहीं। और आगे चलते हैं। अब याद करो दो धमकियां जो दी थी मोतीलाल नेहरू ने। किसके द्वारा दी थी? नेहरू रिपोर्ट के द्वारा। नेहरू रिपोर्ट में दो धमकियां थी, पहला कि 1 ईयर टाइम, दूसरा नहीं तो हम करेंगे ऑल इंडिया लेवल पर, ऑल इंडिया लेवल पर करेंगे एक मासिव क्रांति यानी कि रेवोल्यूशन। अब 1929 में दिसंबर के महीने में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि 1 ईयर टाइम तो पूरा हुआ और अब हमें नहीं चाहिए स्वराज, अब तो हम लेके रहेंगे पूर्ण स्वराज। अब वो मिले महात्मा गांधी से। कौन मिले? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उन्होंने 1930 में जाके बात की, किससे बात की? महात्मा गांधी से कि अब क्या किया जाए, कौन सी रेवोल्यूशन, कौन सी क्रांति शुरू की जाए, क्योंकि उन्होंने दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज का नारा दिया और जनवरी 1930, 26th ऑफ जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस सेलिब्रेट कर दिया। इसी को हम क्या मानते हैं? फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। इसको हम मानते हैं फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया, सॉरी, बिल्कुल सही, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। एक तरह से इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर दिया, मगर आजादी मिली नहीं थी अभी, ठीक है जी। और 26 जनवरी, इसी कारण से जब आजादी मिल गई तो हम जो संविधान को लागू किया वो भी कब किया?
26 जनवरी 1950, तीसरी बार। अब बात थी एक बड़ी क्रांति शुरू करने की, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने कहा मुझे 24 घंटे का समय दीजिए, पहली बात। ये ऑल इंडिया लेवल की एक मूवमेंट होनी चाहिए, ऑल इंडिया लेवल, ठीक है। ऑल इंडिया लेवल का मतलब है कि हर भारतीय, एवरी इंडियन शुड थिंक कि ये मूवमेंट मेरी मूवमेंट है। सॉल्ट हर कोई खाता है, और नया नया एक टैक्स लगाया था अंग्रेजों ने, टैक्स ऑन सॉल्ट, सॉल्ट टैक्स आया था, ठीक है। महात्मा गांधी ने इसी को मुद्दा बनाया और शुरू किया सॉल्ट सत्याग्रह, सॉल्ट सत्याग्रह। और इसका प्रोपेगेंडा इस तरह किया गया कि जो अंग्रेजों ने जबरदस्ती नमक पर टैक्स लगा दिया, इसका मतलब हर गरीब, हर कमजोर, हर गरीब, हर अपनी जिंदगी के लिए अस्पताल में लड़ रहा मरीज, उसकी थाली से एक रोटी का टुकड़ा चुरा रही है ब्रिटिश सरकार, क्योंकि सॉल्ट इज एसेंशियल फॉर लाइफ, दिस इज एसेंशियल फॉर लाइफ। जिंदा रहने के लिए नमक खाना पड़ेगा, और नमक पर टैक्स लग रहा है यानी कि सांस लेने पर टैक्स या पानी पीने पर टैक्स लगाने के बराबर है। और फिर महात्मा गांधी ने अपने साबरमती आश्रम से निकलकर एक मार्च शुरू की। बताओ उस फेवरेट, उस फेमस मार्च का नाम, दांडी मार्च, दांडी मार्च। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है, और दांडी मार्च में साबरमती आश्रम से निकले और कहां पहुंचे, दांडी। दांडी एक विलेज है, ये कोस्ट पर है, ठीक है, गुजरात का, जहां समुद्र का किनारा, ठीक है जी। और वहां जाकर उन्होंने ब्रेक किया, तोड़ा सॉल्ट लॉ। ये एक तरह का टोकन था, ये एक प्रकार का सिंबल था, ठीक है। किस चीज का सिंबल था, कि हम अगेंस्ट हैं, किसके अगेंस्ट हैं हम, सॉल्ट टैक्स के। और यहां से एक बड़ी मूवमेंट शुरू हो गई, ऑल इंडिया लेवल की मूवमेंट, और इसको नाम दिया गया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। कब स्टार्ट हुई, 1930 में, ठीक है जी। और फिर दूसरी तरफ अंग्रेजों ने क्या किया, ध्यान रहे मैं बता चुका हूं, सैमन कमीशन की रिपोर्ट आई थी 1928 में आई थी रिपोर्ट, ठीक है। और इसके ऊपर हुई फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट आरटीसी, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आरटीसी। ये कब हुई, 1930 में। तीन आरटीसी हुई हैं, 1930, 1931 और 1932, ठीक है। ये थी फर्स्ट, ये थी सेकंड, ये थी थर्ड। क्यों हुई है फर्स्ट सेकंड और थर्ड, एक ही पर्पस था इन सबका, क्या पर्पस था, क्या था, क्या था, साइमन रिपोर्ट, साइमन रिपोर्ट। किसके साथ डिस्कस करना जरूरी था, किसके साथ डिस्कस करना जरूरी था, डिस्कशन विद इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन पॉलिटिशियंस, इंडियन पॉलिटिशियंस, ठीक है जी। और इंडियन पॉलिटिशियंस, सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी, आईएनसी, दूसरे नंबर पे थी मुस्लिम लीग, और दोनों ही साइमन रिपोर्ट के खिलाफ थी। तो फर्स्ट जो हुई, याद रहे एक नंबर का फर्क है ये, 1930 में फर्स्ट है, ठीक है। इसको बॉयकॉट कर दिया सभी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ने 1931 में। अब ये चाहते थे कौन, अंग्रेज ये चाहते थे कि महात्मा गांधी लंदन आए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने। तो 1930 की फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई, ओके। और फिर जो प्राइम मिनिस्टर थे, कहां के प्राइम मिनिस्टर, इंग्लैंड के, उन्होंने किसको पैगाम भेजा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कम वाइसराय, कम वाइसराय, जिनका उस समय पे नाम था लॉर्ड इरविन,
उनको पैगाम भेजा, आई वॉन्ट गांधी इन लंडन टू अटेंड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कि जो सेकेंड आरटीसी है 1931 वाली वो सक्सेसफुल होनी बहुत जरूरी है, अर्जेंट है, क्लियर, वो सक्सेसफुल होनी चाहिए। यानी कि आईएनसी शुड पार्टिसिपेट करना होगा, किसको करना होगा, सेकेंड आरटीसी में कांग्रेस को, ठीक है जी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से सबसे बड़े नेता आने चाहिए, यानी महात्मा गांधी। तो आगे इरविन ने, देखो पीएम ने बोला एसओएस को, एसओएस ने बोला जीजीओआई कम वाइस रॉय को, यानी कि किसको बोला, लॉर्ड इरविन को। और इन्होंने आगे पैगाम भेजा आईएनसी को कि हम साइन कर लेते हैं एक पैक्ट, हम एक पैक्ट साइन कर लेते हैं, एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं कि हम मिलके चलेंगे। और रिजल्टेंटली क्या साइन हुआ, गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट। इसमें अंग्रेजों की तरफ से क्या था और हमारी तरफ से क्या था, ठीक है। महात्मा गांधी ने अपनी एक डिमांड सामने रखी, क्या डिमांड रखी, कि आप रिलीज कर दो ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जो भी राजनीतिक लोगों को आपने अंदर किया हुआ है उनको उनको आप रिलीज कर दो, बदले में मैं लंदन जाऊंगा और अटेंड करूंगा सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है जी। तो इरविन की डिमांड क्या थी, कि आपके दो बातें, पहला आप सस्पेंड कर दो, विदड्रॉ कर दो, सस्पेंड भी नहीं बल्कि विदड्रॉ कर दो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और दूसरी डिमांड थी अटेंड आरटीसी 1931। महात्मा गांधी ने जब मन बना लिया गांधी इरविन पैक्ट साइन करने का, तो यूथ ने दबाव डाला महात्मा गांधी पर कि आप साइन मत करना जब तक वो पार्डन ना दे दें भगत सिंह को। भगत सिंह को जब तक वो पार्डन नहीं देते तब तक हम साइन नहीं करेंगे, ठीक है। मगर भगत सिंह की पॉपुलैरिटी देश में महात्मा गांधी से भी ज्यादा उन दिनों में हो गई थी। ये बात इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स को पसंद नहीं आ रही थी। इस कारण से महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने पैक्ट को साइन कर दिया बिना अपनी ये डिमांड पूरी करवाए। जब वो साइन करके आए, इस पैक्ट को कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट। जब वो साइन करके आए तो लोगों ने पूछा कि क्या वो मान गए हैं कि भगत सिंह को वो छोड़ देंगे। गांधी जी ने कहा कि मैंने बड़ी कोशिश की पर वो नहीं माने। हुआ क्या था, जब पैक्ट साइन हो चुका था उसके बाद महात्मा गांधी ने पूछा था, किससे पूछा था, लॉर्ड इरविन से पूछा था कि क्या मैं इसका मतलब ये समझूं कि आप भगत सिंह को भी छोड़ दोगे। आगे से लॉर्ड इरविन ने कहा, आई एग्री टू रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर्स ओनली, आई विल नॉट रिलीज क्रिमिनल्स, आई विल नॉट रिलीज टेररिस्ट्स, एंड ही इज अ टेररिस्ट, ही इज अ क्रिमिनल, ही इज अ मर्डरर, हाउ कैन आई रिलीज हिम, ही इज नॉट अ पॉलिटिकल प्रिजनर। तो इस पर महात्मा गांधी ने कुछ नहीं कहा। तो लोग नाराज हुए महात्मा गांधी से कि भगत सिंह को उन्होंने माफी क्यों नहीं दिलवाई, और इस बात को ब्रिटिशर्स देख रहे थे। जैसे ही लोग नाराज होते दिखाई दिए, उन्होंने फटाफट भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को हैंग कर दिया। और महात्मा गांधी पहुंच गए कहां, लंदन। लंदन में पहुंचे 1931 में कौन, महात्मा गांधी। 5 days लेट पहुंचे, 5 दिन लेट पहुंचे, सर्दियों का समय था, ठीक है जी। महात्मा गांधी से एक प्रेस रिपोर्टर ने पूछा, मिस्टर गांधी यू आर वेयरिंग जस्ट 1 shawl, सो डोंट यू फाइंडिंग कोल्ड चिलिंग हियर। कहता आफ्टर लुकिंग एट यू, महात्मा गांधी ने मजाक भरा जवाब दिया, आपको देखने के बाद शरीर में इतनी गर्मी पैदा हो जाती है, मुझे किसी शॉल की जरूरत ही नहीं। इस बात को वहां छाप भी देगा, मजाक में कुछ बना था। चलो आगे चलते हैं। 5 दिन लेट पहुंचे थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी, और इन बिटवीन छोड़कर आ गए थे, ठीक है।
क्यों? वहां पर बी आर अंबेडकर को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही थी। बी आर अंबेडकर जी ने 3 की 3 आरटीसी अटेंड की थी, ठीक है। और बी आर अंबेडकर क्या मांग रहे थे? डिप्रेस्ड क्लासेस के जो लोग हैं, जो दबा हुआ तबका है, शुद्र जो है, डिप्रेस्ड क्लासेस वालों को मुस्लिम्स की तरह मिलना चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट, समझ में आया, हिंदुओं से अलग होकर। तो इससे महात्मा गांधी बहुत आहत हुए। उन्होंने कहा इसे पूरा भारत छोटे टुकड़ों में बट जाएगा। उन्होंने, महात्मा गांधी ने कहा, हम इंडिया एज होल के लिए रिलैक्सेशन की बात करें, ना कि अपनी कम्युनिटी के बारे में। अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचना स्वार्थी बनना होगा, ठीक है। मगर कोई नहीं सुन रहा था महात्मा गांधी की। ब्रिटिशर्स भी सपोर्ट कर रहे थे बी आर अम्बेडकर को। इससे महात्मा गांधी नाराज हुए और बीच में छोड़कर आ गए, और उन्होंने यहां आकर फिर से स्टार्ट कर दी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और इसलिए उनको अरेस्ट कर लिया गया। और फिर हो गई थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसमें बी आर अम्बेडकर जी जो जो बातें अंग्रेजों से मनवाना चाहते थे वो सब मनवा ली, और सेपरेट इलेक्टोरेट का फैसला हो गया कि कुछ सीटें सिर्फ शुद्रों की होंगी और इलेक्शन भी उस एरिया में सिर्फ जो डिप्रेस्ड क्लास के लोग ही करेंगे, उन्हें वही वोटिंग करेंगे। इस पर महात्मा गांधी ने क्या किया? फास्ट अनटू डेथ, आ मरण अनशन, फास्ट अनटू डेथ। ही वॉज इन यरवाडा प्रिजन एट दैट टाइम। यरवाडा प्रिजन कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र। उनकी सेहत बहुत बिगड़ने लगी, वो मरने के नजदीक आ गए थे। लोगों ने बी आर अम्बेडकर को पूछना शुरू किया, क्यों मार रहे हो गांधी को? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पर प्रेशर बनने लगा। कांग्रेस के लोग उनसे जाकर मिले और उनको मनाया, और साइन हुआ पूना पैक्ट। पूना पैक्ट क्यों हुआ? क्योंकि इससे पहले आ गया था क्या? इससे पहले अंग्रेजों ने सेपरेट इलेक्टोरेट अवार्ड कर दिया था, ठीक है जी। और इसकी वजह से हिंदू हमेशा के लिए टूटने फाइनल हो गए थे। इसे हम कहते हैं कॉम्युनल अवार्ड, कॉम्युनल अवार्ड। किसने दिया था? रामसे मैकडॉनल्ड, रामसे मैकडॉनल्ड। और फिर वो मान गए, उन्होंने कहा ठीक है आप रिजर्वेशन दे दो, ये रहने देते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट, ओके। और फिर फास्ट इलेक्टोरेट खत्म हो गया। कल हम इसके नोट्स में से इसको डिस्कस करेंगे। कुछ पूछना है आपको? क्लास एंड होने वाली है, एनी क्वेश्चन?